हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज है संडे और मैं आपके साथ अर्डिन की अपडेट देने वाली हूँ। तो ये देखिए, कुछ मेरे सीडलिंग है जो मैंने यहाँ पे रख दी थी और काफ़ी अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैटरपिलर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है जो मेरी सीडलिंग पूरी खा जाते हैं, पूरा एकदम से पूरा उनके मतलब ऊपर से टिप को ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, आप यहाँ से देखिए कितने ज़्यादा मतलब इनकी पत्तियाँ सारी गायब हो गई हैं, सारे डंठल बस बचे हुए हैं और इधर भी बहुत सारा उन्होंने खाया हुआ, देख भी नहीं रहा बंदे। चार तो मैंने निकाल के फेंक दिए थे, बड़े बड़े से बिल्कुल अंगूठे के बराबर रहते हैं और अभी भी दिख नहीं रहा। अभी इन्होंने आज फिर से काफ़ी सारे प्लांट खाए हुए हैं, तो पता नहीं, ये देखिए पूरे पूरे पत्ते गायब कर दिए इन्होंने, पूरी ब्रांच खा ली है। तो दिख नहीं रहा, किसी ने किसी प्लांट में चिपका होगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा ग्रीन और इतना मतलब प्लांट में छिप जाता है कि दिखाई नहीं देता है बिल्कुल से। तो यहाँ से देखिए पूरी सीडलिंग है और कुछ वीड्स वगैरह फिर से ग्रो हो गई है, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रो करती है ये। तो इनको निकालते रहें, ये वाली वीड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है निकालने प्लांट से, क्योंकि पूरी अंदर तक चली जाती है, रूट के अंदर तक। तो फिर जब हम कभी बाद में निकालते हैं ना, तो हमारा प्लांट भी बाहर निकल करके आ जाता है। ये देखिए, तो वीड्स की क्लीनिंग आप टाइम टाइम पर करते रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, प्लांट हेल्दी रहेंगे, नहीं तो सारा न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हम देते हैं सब यही सक कर लेते हैं। तो ये वीड्स तो ज़रूर निकाल दीजिए, ऊपर की जो वीड्स होती है उसको चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, टाइम नहीं है तो रहने दीजिए, लेकिन इसको बहुत ही ज़रूरी है निकालना। ये देखिए, ये अभी छोटा सा ही है, फिर भी देखिए इतनी लंबी लंबी इनकी रूट्स है। तो सीडलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है वो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये देखिए, ये प्लांट भी लगता है आज, एक प्लांट आज मेरा ख़राब भी हो गया, शायद इधर एसी की हवा की वजह से हो सकता है, उसमें कुछ असर हो गया होगा, एक सीडलिंग मेरी गल गई बिल्कुल से। और पानी तो इतना ज़्यादा मैंने दिया नहीं था, या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ हो उसके बाद फिर पानी मिला हो तो ख़राब हो गया हो। ये देखिए, तो यहाँ से इधर इस साइड पे एसी की हवा भी थोड़ी सी लग जाती है, तो मैं सोच रही हूँ, इधर मैंने दो मटके देखिए रखे हुए हैं ताकि इधर थोड़ा हवा कम आए, इसमें से आती रहती है। और ये देखिए इधर आ रही है अभी भी हवा, तो या तो एक आध लाइन इधर का हटा के उस साइड पर शिफ्ट कर दूँ तो शायद ठीक रहे स्टॉक की। तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब अच्छे इस्टेब्लिश हो चुके हैं, चल चार दिन पाँच दिन तीन दिन बाद मैंने इनको पानी दिया था और उसके बाद अभी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और कुछ वहाँ पर भी देखिए रखे हैं, फुल सनलाइट पे ही मैंने छोड़ दिया था, मैंने कोई छाया वगैरह में नहीं रखा है और ये ग्रो कर जाएंगे, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इधर दिखाती हूँ आपको, फ्लावरिंग बहुत अच्छी इस समय हो रही प्लांट में, बहुत अच्छे से प्लांट फ्लावरिंग पे हैं और काफ़ी सुंदर सुंदर से फूल आ रहे हैं, पूरा प्लांट फूलों से भर गए हैं। ये देखिए, और कितने सुंदर सुंदर इनके कलर हैं। और आपको कटिंग के अपडेट भी दिखा देती हैं, देखिए मैंने कटिंग लगाई थी मार्च अप्रैल में और इनमें भी देखिए फूल आने लगे हैं, ये कटिंग पे आया हुआ है फूल पिंक वाले का, और ये मरून वाले की कटिंग है जो अभी मैंने इनको रिपोर्ट नहीं किया, ये सिर्फ सैंड में ही लगे हुए हैं, कोई मतलब फर्टिलाइजर वगैरह नहीं दिया। देखिए इसमें फिर भी ये फूल आ रहे हैं। तो इधर देखिए, इसमें देखिए जिस दिन नया फूल खिलता है उस दिन ऐसा रहता है, उसके बाद देखिए इसका कलर ऐसा हो जाता है, काफ़ी सुंदर से इसका फूल है। और आप फूल की क्वांटिटी देखिए कितने ज़्यादा इसमें फूल आए हुए हैं, एक एक ब्रांच पे मतलब चार चार पांच पांच फूल आए हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी कलर खिलना स्टार्ट हो गए हैं। इधर देसी वाला है जिसमें सीड पॉट तो बहुत सारे बने थे लेकिन सारे ख़राब हो गए, क्योंकि कंटिन्यू कई दिनों तक बारिश हुई और उसके बाद फिर धूप भी तेज़ काफ़ी निकलती है, शायद वही रीज़न होगा, क्योंकि बाकी इतने बड़े प्लांट में ऐसा कुछ दिक्कत तो है नहीं, और इसके भी सीड पॉट इसी वजह से ख़राब हो गए। तो ये देखिए, इधर भी फ्लावरिंग अच्छी चल रही है। अभी भी अगर आपने सितंबर में इनको फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो एक बार आप फर्टिलाइज़र ज़रूर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा मिट्टी के अंदर, नीम खली बोन मिल और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला करके, क्योंकि कंपोस्ट भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इनकी हालत कैसी हो गई है, तो थोड़ा सा ग्रोथ भी कर लेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। नीचे मतलब ऑर्गेनिक पोटाश मिट्टी में दीजिएगा थोड़ा सा मिट्टी के अंदर, और या तो आप फिर केमिकल में अगर जाते हैं तो 0534 का स्प्रे कर दीजिएगा या तो 0050 का स्प्रे कर दीजिएगा। अभी भी कर देंगे ना तो आपका अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, अभी बिल्कुल भी डोरमेंसी में प्लांट नहीं जाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर सा फूल है, इसका भी कलर एकदम अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ये देखिए, लेकिन थोड़ा सा मैच हो रहा है। ये पर्पल कलर का है, ये डबल पेटल का है, मतलब ये सारे ट्रिपल हैं और ये डबल पेटल में है, फूल काफ़ी बिग साइज़ का आता है इसका भी, और बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। तो
प्रूनिंग वगैरह अगर आप करना चाहें तो अभी मैं तो बोलूँगी आप फरवरी में कीजिए, क्योंकि फरवरी में अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाती है, और साथ में अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो उसकी ब्रांच को आप ग्राफ्ट कर सकते हैं लेकर के। अभी आप कर देंगे तो आप ग्राफ्टिंग का भी समय लगभग जा चुका है, एक आध हफ्ते आप चाहे तो कर सकते हैं। मैं भी एक दो प्लांट फेल हो गए हैं ना, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले किया था, तो उस पर सोच रही हूँ एक आध ब्रांच चिपका ही दूँ, क्योंकि फिर विंटर आ जाएगा तो विंटर में ग्राफ्टिंग उतनी अच्छी सक्सेस नहीं हो पाती है, और गमलों की मिट्टी भी नहीं सूखती है, तो मिट्टी अगर गीली रहती है तो फिर ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती बिल्कुल भी। तो ग्राफ्टिंग के लिए जो समय होता है फरवरी से लेके सितंबर तक आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, और उसके बाद इधर आप थोड़ा सा 2-3 महीने वेट कर लीजिए फिर, और अगर आपके यहाँ पे पॉली हाउस की सुविधा है तो आप फिर कर सकते हैं, किसी भी सीजन में कर सकते हैं। बारिश के सीजन में ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है, बस आपको पानी से बचाना होता है प्लांट को। ये देखिए इधर भी काफ़ी सारे बंचेस में फ्लावर आए हुए हैं, कलियाँ आई हुई हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल। इस तरह से देखिए जो गले हुए फूल, सड़े हुए फूल हैं, उनको आप प्लांट से हटा लीजिए, नहीं तो ब्रांच को फंगस लगा देगा। और इधर देखिए ये भी बहुत सुंदर सा फूल खिलने वाला है। और प्लांट के रिपोर्टिंग के बारे, अगर आप नए प्लांट मंगाते हैं तो अभी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ का टेम्परेचर सही होना चाहिए, मतलब हमारे यहाँ तो अभी ठीक ठाक है, अभी बिल्कुल भी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है। तो ऑनलाइन अगर प्लांट मंगाते हैं तो भी अभी रिपोर्टिंग के लिए आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, आप आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं प्लांट को, और अच्छी ग्रोथ भी कर लेंगे। अभी देखिए मैंने जो रूट स्टॉक दिखाया आपको, 4 दिन पहले मैंने 4-5 दिन पहले रिपोर्ट किया, उनमें नई नई पत्तियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो अभी काफ़ी अच्छा, मतलब जो मौसम है ना अभी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग हो जाएगी। नवंबर से फिर रिपोर्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, मतलब ठंड स्टार्ट हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं अच्छे से। अक्टूबर का महीना पूरा रिपोर्ट कर सकते हैं प्लांट को। तो मैं भी कुछ ग्राफ्टेड प्लांट ही आज निकाल करके, जो मतलब ऐसा रहता है ना कि अभी ख़राब हो सकते हैं तो विंटर में ख़राब हो सकते हैं, जिन गमलों में पानी जल्दी सूखता नहीं है, तो उनको मैं आज चेक करके उन प्लांट को भी मैं रिपोर्ट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ग्राफ्टेड प्लांट भी मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं। तो बस यही बताना था आप लोगों को। इधर का दिखाऊँ अगर, तो ये भी कुछ सीडलिंग है जो बस अभी 1 महीने पहले ही मैंने इनको रिपोर्ट किया था, 1-1.5 महीने पहले, और ये भी ग्रोथ पर हैं, अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और इधर कुछ हाइब्रिड सीडलिंग थी, इसको मैं सोच रही थी थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इनकी रूट जो है ना गमलों के नीचे तक जाने लगी है, पर देखती हूँ करूँ या ना करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज भी हूँ। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारे एडेनियम रखे हुए हैं, इधर भी, इनमें भी देखिए कितनी ज़्यादा वीड्स ग्रो हुई है, और इन्हीं प्लांट को मैं सोच रही थी कि रिपोर्ट कर दूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी भी जल्दी सूखती नहीं है। ये वाला प्लांट आप देख सकते हैं, पर फ्लावर डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी मुझे याद नहीं किस चीज़ का, कौन से कलर का फ्लावर इसमें खिलेगा। तो ये कटिंग लगाई थी, देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई थी आज, और ये यहाँ से थोड़ा सा सूख भी रहा है। इतनी छोटी देखिए इसकी रूट कितनी ज़्यादा इसमें बाउंड हो चुकी है पूरी, ये कटिंग में पॉट में। और ये देखिए छोटे से प्लांट पे सीड पॉट बना है, काफ़ी अच्छा से हेल्दी चल रहा है, जबकि बड़े वाले प्लांट के जो सीड पॉट थे सब इसी के साथ बने थे, लेकिन सारे ख़राब हो गए, सारे ख़त्म हो गए। और इधर दिखा दो तो ये देखिए इसमें बहुत प्यारा सा फूल आता है, लेकिन अभी फर्स्ट फ्लावर आया था ना तो थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, इसमें कलियाँ काफ़ी सारी आई हुई है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ग्राफ्ट करके तैयार किया था प्लांट। और यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफ्टेड प्लांट हैं, और कुछ ये वाइट सीडलिंग है जो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं। और उधर भी हैं कुछ, उधर भी सारे हैं। और यहाँ पर ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट शिफ्ट कर दिए थे, इनको मैं और थोड़ा इधर कहीं पे शिफ्ट करके जो नई ग्राफ्टिंग मेरी अभी तैयार हुई है ना 1 महीने पहले वाली, उनको सबको यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दूँगी, ताकि इधर धूप अच्छी लगे और प्लांट जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर ले। ये देखिए ये सारी ग्राफ्टिंग है, कुछ प्लांट देखिए यहाँ पर, ये एक सीड ग्रोन प्लांट है जिसको मैंने डर की वजह से निकाल लिया था गमले से बाहर, इसको रिपोर्ट किए हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, और देखिए इसमें नई नई पत्तियाँ आ करके इसमें फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं बहुत ही जल्दी, सिर्फ 15 दिन में रिपोर्ट किए हुए ही हुआ है। एक मैंने देखिए अभी प्योर सैंड में लगा दिया है ये वाला प्लांट भी, और इसमें देखिए नई नई कम से कम 15-20 दिन सूखा है, उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट किया है। ये गमला गिर गया था पीछे छत पर, मतलब उधर की छत पर गिर गया था, बंदर ने गिरा दिया था, तो इसका पॉट भी टूट गया था और प्लांट डिस्टर्ब हो गया था पूरा, तो कट करना पड़ा मुझे उसकी पूरी ब्रांचेस फिर। और इनमें देखिए सब में बर्ड आनी शुरू हो गई है, मैंने इनको ऑर्गेनिक पोटाश, नीमखली और बोन मिल दिया था, और 0-52-34 का स्प्रे भी किया था एक बार, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल करके आता है। ये सारे वो प्लांट हैं जिनकी ब्रांच लेकर के मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है, और देखिए सब में इस तरह से न्यू
सूट्स निकल गए हैं। अभी ये फरवरी में, फरवरी स्टार्ट होते ही इनमें समय फ्लावर शुरू हो जाएंगे आना, तो यही होता है सितंबर अक्टूबर में प्रूनिंग करने से प्लांट फरवरी में उधर बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाता है। और यहाँ सारे ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो सक्सेस हो चुके थे, तो मैंने इनको धूप पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर अच्छी, मतलब बहुत तेज धूप तो नहीं लगती है, लेकिन लगती है तो 3-4 घंटे की धूप लग जाती है। पीछे देखिए सीडलिंग है जो मैंने अभी अभी रिपोर्ट की थी 15 दिन पहले ही, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि छाया में रखे हुए हैं। शुरू में थोड़ा छाया में रखना ज़रूरी होता है। और इधर दिखा दो तो ये देखिए, ये सारी वी ग्राफ्टिंग है जो मैंने वी ग्राफ्ट किए हुए थे प्लांट। कल इनकी भी स्टेप सबके मैंने खोल दी है, कल वीडियो भी इस पर बनाई थी लेकिन इस पर कॉपीराइट आ गया क्योंकि म्यूजिक यहाँ पे भजन चल रहे थे। और ये देखिए रेड वाला हमारा प्लांट, एक प्लांट मैंने और प्रून किया था, इसकी ब्रांच ले लेकर के प्रून मतलब ग्राफ्ट किया था, पर दो ब्रांच बच गई थी, तो मतलब दो ब्रांच लंबी रहती है और बाकी अच्छा घना निकल करके आता है। मैंने कल परसों उसको भी कट कर दिया है, अभी फंगीसाइड भी नहीं लगाया उसकी ब्रांच पे। और ये रेड वाला देखिए, इनकी भी मिट्टी थोड़ी सी ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। और एक येलो है, पहले इसके फूल येलो कलर के खिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से पिंक कलर के हो जाते हैं। और ये देखिए एक ये भी न्यू फ्लावर खिला हुआ है। अगर आप प्रूनिंग करके ना इस तरह से पॉलीथीन लगा देते हैं, तो जो आपके ये दिखा दूँ आपको एक अच्छा रिजल्ट, मतलब उस पर शूट्स ज़्यादा निकलते हैं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। और फिर प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लांट किस टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे 5-2 ब्रांच थी पहले, अभी 5 ब्रांच हो गई हैं, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो बस अब इतना जब निकल आए तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा ना, तो आप फिर पॉलीथीन को हटा दीजिएगा। पर ध्यान रहे, बीच बीच में चेक जरूर करते रहिएगा कि इसमें पानी मतलब भाप जैसा बन के कहीं ऐसा फंगस वंगस ना लगे आपकी ब्रांच पर। पॉलीथीन प्रूनिंग के बाद पॉलीथीन ढकने का एक ये भी कारण है कि ऊपर से ब्रांच में पानी नहीं पड़ेगा जब भी कभी आप पानी देंगे, या मिट्टी में भी उतना पानी नहीं देना होता है प्रूनिंग के बाद, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखा करिए। तो ये देखिए एक न्यू फ्लावर खिला हुआ है और फर्स्ट बार खिला है, मतलब ये क्योंकि लाते साथ मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी, उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या खिलेगा। इस प्लांट मैंने कई ग्राफ्ट किए थे जिनको मैंने सेल भी कर दिया था फिर। और ये देखिए इधर भी कुछ कलर खिले हुए हैं, यहाँ पर देखिए हमारे अरेबिकम है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर हैं। और ये एक वेरीगेटेड कलर का इसमें मतलब पत्तियाँ हैं और फूल आते हैं रेड कलर के ट्रिपल लेयर में। ये देखिए पिंक की फ्लावरिंग बहुत ही ज़ोरदार होती है, बहुत ही सुंदर सी, पूरा बंचस में भरा, पूरा कलियाँ ही कलियाँ हैं इसमें। और ये देखिए इधर ये थोड़ा सा वाइट का बीच में वो है, डबल पेटल में इसके फूल आते हैं। मेरे पास जो था वो रेड कलर में था। और ये देखिए ये मैंने अपने फ्रेंड से ब्रांच लेकर के ग्राफ्ट किया था। और एक ये है, इसका भी काफ़ी सुंदर कलर, इसमें डबल मतलब कलर चेंजिंग वाला प्लांट है ये, पहले येलो रहता है बाद में एकदम पिंक हो जाता है इसका फूल। और एक ये न्यू कलर खिलने वाला, ये देखिए मतलब मेरे गार्डन में न्यू कलर खिलने वाला है, पहली बार तो नहीं है, दूसरी बार ये खिलेगा अब। और एक ये देखिए कितना प्यारा सा इसका भी फूल है। ये बाकी के 2-3 फूल प्लांट है ना जिनमें वाइट कलर का शेड है और इसमें थोड़ा सा ग्रे पर्पल कलर का शेड है। तो एक प्लांट है देखिए, छोटा सा प्लांट है, कितनी हैवी इसमें फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए इसको भी मैंने पॉलीथीन से कवर कर दिया था जब प्रून किया था, इसमें 3 ब्रांच निकल रही, इसे भी किया था, इसमें देखिए 3 ब्रांच यहाँ से निकली हुई है कट करके, तो काफ़ी अच्छे मतलब ग्रोथ निकल करके आती है उसकी, फुटाव जो होता है। और ये भी एक बहुत सुंदर सा कलर है, इसके फूल काफ़ी पुराने हो गए, नहीं तो नए जब रहते हैं बहुत सुंदर दिखता है इसका भी फूल। तो ये देखिए जितने भी प्लांट मैंने प्रून किए थे ना जिनकी ब्रांच ले लेकर मैंने ग्राफ्ट किया था, सब में इस तरह से शूट्स निकल के आ गए हैं काफ़ी अच्छे। और इसमें तो 6-7 निकल आए हैं, देखिए 2 ही ब्रांच थे इसके अंदर, और देखिए पीछे वाले में भी 3 ब्रांच निकल रही है, इनमें भी इसी तरह से निकल रहे हैं। अभी का मौसम जो है ना, अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो शूट्स अच्छे निकल आते हैं, जबकि बारिश के टाइम में ऐसा नहीं था। बारिश के टाइम में बहुत मुश्किल से मतलब उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही थी, जबकि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा था पर उतनी नहीं हो रही थी। अभी जो है ना, तो अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है, पर वही है थोड़ा सा विंटर में डर लगता है, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ कि मत कीजिएगा। मुझे तो ज़रूरी था, मतलब करना ही था, क्योंकि मुझे ब्रांच इनकी चाहिए थी इसलिए मैंने इनको प्रून किया था, नहीं तो डर मुझे भी लग रहा था कहीं मान लीजिए ज़्यादा पानी बारिश हो गई या ज़्यादा पानी पड़ेगा तो ब्रांच गल सकती है। और इस तरह से हमारे जो प्लांट हैं वो दिख रहे हैं।
आज गार्डन बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह से ही मैं वीडियो शूट करने लगी थी, और क्योंकि माता जी का भजन शुरू हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और भी आपको दिखा दो थोड़ा सा, ये देखिए ये सारे ग्राफ्टिंग मैंने की थी अभी 1 से 2 महीने पहले, सब में अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। कुछ की ब्रांच जिनकी फेल हो गई थी तो बाद में फिर से की है, तो इसीलिए इनको रोक के अभी रखा नहीं, सब तो ऊपर रखने लायक हो गए थे प्लांट। लेकिन किसी के एक ब्रांच फेल हो गई, किसी के दो हो गए, तो दोबारा ग्राफ्टिंग करनी पड़ गई मुझे इनमें। और लगभग सभी में सोर्स निकल आए हैं। अभी मैंने अभी नई ग्राफ्टिंग इस महीने मतलब इधर अक्टूबर में नहीं की है, 2-4 ब्रांच जो फेल हुए थे उन्हीं को किए हैं। तो इनको भी धीरे धीरे धूप में, जैसे इतनी ब्रांच जब आपकी हो जाए ना तो आप उसको धूप में शिफ्ट कर दीजिए, सुबह की धूप में, जहाँ पे 1-2 घंटे की धूप लगे, एकदम तेज वाली धूप में नहीं, तो आपके जो प्लांट है काफ़ी अच्छे रहेंगे। लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, पूरा 3 महीने मैंने इनको यहीं पर छाया में ही रख लिया था, जिसकी वजह से मेरे 30-35 प्लांट ख़राब हो गए थे। तो बिल्कुल मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती, मैं इस बार अच्छे से इनको धूप में प्लेस करके रखूँगी ताकि बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लें। तो ये देखिए इधर के एरिया मैंने सबको शिफ्ट कर दिया है। अभी जो इधर वाले प्लांट है जिनकी और ज़्यादा ग्रोथ है अच्छी, उनको 3rd फ्लोर पे पहुंचा दूंगी, मतलब ये जो टीन का सेट है इसके ऊपर रख दूंगी सबको, तो बहुत अच्छे से ये चलेंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।